गुड मॉर्निंग टेयर्स इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है एक मिस्टर टेक में। टेयर्स, हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं, अक्स ऑप्टिकल फाइबर केबल लिमिटेड है। तो अभी कैसी कंपनी परफॉर्म कर रही है, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पैनी स्टॉक है तो रिस्क ज़्यादा है, तो जो लोग बिगनर्स हैं वो थोड़ा अवॉइड करें जो अभी मार्केट में एकदम ही नए हैं। चलिए हम लोग वीडियो में समझते हैं कि कैसी कंपनी है, आने वाले टाइम पे कहां तक जा सकती है, क्योंकि पैनी स्टॉक है तो परफॉर्म अच्छा भी कर सकती है और सब कुछ डुबाने के लिए कुछ इतना ज़्यादा रहता नहीं है। फिर भी इसकी फाइनेंशियल कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। देखिए ट्रेडर्स, जो अक्स ऑप्टिकल फाइबर केबल लिमिटेड है और ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, पैनी स्टॉक में आता है तो अभी इतना कुछ खास भी नहीं है, बट स्टिल ठीक परफॉर्मेंस चल रही है। अराउंड 7.60 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रहा है। June 2 को इसके अपकमिंग अर्निंग के रिजल्ट आने हैं। EPS जो है नेगेटिव में है, मार्केट कैपिटल कुछ भी नहीं है, 1 बिलियन की है तो काफ़ी छोटी मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड क्या ही प्रोवाइड करेगी, अभी जस्ट कह लीजिए एक तरीके से पैनी स्टॉक में इतना कुछ खास है नहीं इसके पास कि डिविडेंड भी दे पाए। उसके बाद अभी टेक्निकल इंडिकेटर द्वारा तो स्ट्रॉन्ग बाई का आ रहा है, पर हम लोग देखते हैं चार्ट वाइज कि क्या आपको लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। देखिए परफॉर्मेंस वाइज इसका फाइनेंशियली बात करें तो वैल्यूएशन पे नज़र डालें तो शेयर होल्ड लोग जो करके चल रहे हैं वो 64,000 लोग इसको होल्ड करके चल रहे हैं, मतलब संख्या तो है लोगों की होल्ड करने की। पैनी स्टॉक में है, काफ़ी छोटी मार्केट कैपिटल है ऑलरेडी, मैं आपको क्लियर कर दूँ। लो हाई का देखा जाए तो 100% तक का रिटर्न तो दिया है, 4 से 9.50 रुपीज़ तक गई है, मतलब 8 रुपीज़ पे ही हो जाना था। तो इस हिसाब से तो मतलब आपको रिटर्न तो दिया है अपने 1 ईयर के स्तर पे, पर हाई लो के डिफरेंस के पर ही। प्रोफाइल पे बात करें तो सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से आ जाता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी, जैसे हमने कल अभी खुद डिस्कस किया है अपने इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल लिमिटेड की कंपनी को, उसी HFCL लिमिटेड को, और यहाँ पे हम लोग अभी जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो अक्स ऑप्टिकल फाइबर लिमिटेड है, एक होल्डिंग टाइप की कंपनी है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है ऑप्टिकल फाइबर केबल को, ऑप्टिकल फाइबर तो इस तरीके से इक्विपमेंट बनाते हैं ये लोग और उनका सेल करते हैं। आइए जानते हैं इसके फाइनेंसिस के बारे में कैसी कंडीशन है। तो मार्केट कैपिटल तो देखिए 124 करोड़ की ही है बस, बाकी इसकी बुक वैल्यू 7.05 रुपीज़ है, तो अपनी बुक वैल्यू के काफ़ी क्लोज है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एंट्री ले लेते हैं। बाकी इसका देखते हैं, ऑल टाइम हाई प्राइस 97 रुपीज़ है, तो अभी काफ़ी अंडर वैल्यू में कह लीजिए एक तरीके से ट्रेड कर रही है। पहले नंबर भी अच्छे थे, मैं अभी इसका देख रहा था। उसके बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए काफ़ी लो है, फेस वैल्यू 5 है, फ्यूचर में अगर स्प्लिट होने की सवाल हो उठता है तो हो सकती है। बाकी प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीने में अच्छी खासी बढ़ी है, सेल नहीं रही है, Q-on-Q प्रॉफिट भी बढ़ा है, सितंबर से दिसंबर का है ये 14.9%, रिटर्न ऑन एसेट भी नेगेटिव में। तो ओवरऑल देखिए जो रिस्क उठाना चाहते हैं वही इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि पैनी स्टॉक है और उसके बाद इसके अभी नंबर जितने अभी तक हमने देखे हैं कुछ इतने इम्पोर्टेंट या कह लीजिए कुछ ज़्यादा खास नहीं लगे। चले प्रो कॉन्स पे बात करें तो कंपनी का डेप रिड्यूस हुआ है, बुक वैल्यू के पास है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहा है कॉन्स में, फिर उसके बाद सेल ग्रोथ भी नेगेटिव में है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी लो है, उसके बाद 38.95% इस पर भी प्लस कर रखा है, तो सोच लीजिए अभी फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत में है, मतलब डेप्ट इसके ऊपर अभी भी काफ़ी है। बाकी लो रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव है लास्ट थ्री ईयर का, तो इस हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज इतना कुछ खास भी नहीं है। आइए देखते हैं इसके नंबर कैसे चल रहे हैं, तो नंबर भी नेगेटिव में है ट्रेड्स, देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये तो अभी कंसोलिडेट फिगर दिखा रहा हूँ मैं आपको, मतलब इस कंपनी के साथ साथ जो इसके सब्सिडरीज हैं उन सभी का नंबर है। आइए इसका नंबर देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है, तो इस हिसाब से ये खुद के बिजनेस से कंपनी अच्छे नंबर ला रही है, मतलब ठीक ठाक नंबर है, क्योंकि प्लस में आ रहा है, 1.25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था दिसंबर में, मतलब 2 क्वार्टर से नंबर इसके बेहतर है। पर पुराने नंबर आप देखिए तो लास्ट मार्च 2019 से लेके नंबर इसके
जून 2020 तक के खराब रहे हैं, मतलब 1 ईयर से ज्यादा का स्तर इसका ठीक नहीं रहा है, पर सितंबर दिसंबर से नंबर इसके ठीक हुए हैं। इस बार देखिए मार्च में कैसे नंबर आते हैं, तो इस कंपनी को अपना सोलली तो फायदा हो ही रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट चेक लेते हैं, क्योंकि रिस्क काफी हाई दिख रहा है कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। रिजर्व्स भी देखिए 2018 तक अच्छे खासे थे, उसके बाद इसके पास अभी रिजर्व्स भी काफी कम हुए हैं। आप देखिए 433 करोड़ के रिजर्व्स थे, उसके बाद कितने ज्यादा कम हो गए हैं। बोरोइंग्स भी पहले से थोड़ी कम किया है, एक अच्छी बात है। लाइबिलिटीज भी थोड़ी सी बढ़ी है बस, और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने कर रखा है। तो ये थे अभी सितंबर वाले डाटा का हमने कर लिया चेकअप। आइए इसके थोड़ा और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में नजर डालते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इस तरीके से रिस्क तो काफी हाई हो जाता है, क्योंकि पब्लिक के ऊपर देखिए 71.80% होल्डिंग है, मतलब वोलेटाइल शेयर काफी ज्यादा रह सकता है, कोई न्यूज इसको एकदम ऊपर नीचे कर सकती है। बाकी देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 27.95 है, DIs अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखे हैं, और FIs का 0.25 है, बहुत मिनिमल है, तो ये नंबर कुछ इतना खास नहीं है। आइए चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट पे कुछ नजर आ रहा है कि नहीं। तो चार्ट में देखिए वही पंप अप डंप अप वाला काम है, बीच में कोई इन्वेस्टमेंट फ्रेम द्वारा बहुत बढ़िया आया है, जिसकी वजह से 6 अराउंड के रुपीज से ये कंपनी 9 के क्लोज तक गई, और उसके बाद वापस से इसमें प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने कर लिया, उसके बाद डाउनफॉल आ गया है और रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंस गए होंगे। तो अगर फिर भी आपको अगर इसमें रिस्क उठाना है तो आपको किस लेवल पे बाई करना चाहिए जो कि एक अच्छा हो सकता है, तो वो देखिए अभी 5.95 रुपीज के आसपास आप बाई करिए, इसको सही हो सकता है। और एक दो पोजीशन जो थोड़ा और रिस्क में ले सकते हैं वो 6.70 रुपीज के आसपास, वरना आपको क्या है कि इसमें काफी लंबा वेट करना पड़ सकता है। नंबर अभी इतने कुछ खास नहीं चल रहे हैं, अभी डेप्ट रिड्यूस ही कर रही है कंपनी। होपफुली अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो हो सकता है फ्यूचर में अच्छे नंबर आए, तो और अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है। फाइनली इसका अगर हाई से हाई अभी कितना दिख रहा है टारगेट, तो वो 10 रुपीज तक का ही लेके चलते हैं हम लोग, बाकी देखते हैं, क्योंकि देखिए ये बीच में जो बाइंग है यही इसको पंप की है शेयर को, और कोई इतना खास न्यूज या इसके नंबर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।